इतना नहीं कहता आ झटके मारती है यार, ये क्या इशू है, ये भी दिखाऊंगा जाके। तो हाँ बात कर, अस्सलाम वालेकुम, सवेरे सवेरे आनी मेरी क्या हाल, मैं यूनिवर्सिटी से आया हूँ ना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कार स्पीकिंग। तो कैसे हैं सब लोग, ठीक ठाक है ना। तो हम आ चुके हैं वापस अपनी कल्टस में। सो एज यू नो कि हम अपनी गाड़ी रिस्टोर कर रहे थे, तो रिस्टोर जो है तकरीबन काफ़ी हद तक हो चुकी है कंप्लीट। यार ये एक तो हार्ड स्टीयरिंग है, ऐसा कि आपने देखा होगा हम गाड़ी रिस्टोर कर रहे थे, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा अब जो है काफ़ी हद तक जो है ना गाड़ी का काम तो हो चुका है, अब ये छोटे मोटे काम थे जैसे कि आज जो है ना इसका एक तो पावर लॉक नहीं होता, ये वाला रिमोट जो नीचे लगा होता है ये नहीं वर्किंग करता, इसकी वायरिंग करवानी थी। दूसरा मैंने एक तो पहले इसकी सस्पेंशन का काम करवाया था, अगर आपने याद हो, अगर आपने वो वीडियो देखी हो गया गाड़ी का। तो मुझे अब थोड़ा सा ना इशू आ रहा था उसके अंदर कि गाड़ी ना थोड़ी सी आवाज आती है सस्पेंशन से। अभी मैं यूनिवर्सिटी से आया था वापस तो गाड़ी यहाँ एक्सचेंज में खड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि क्यों ना काम करवा लिया जाए और इसी बहाने आपसे भी इंटरेक्शन हो जाएगा हमारा। तो चले फिर। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, देर क्यों कर रहे हो, जाओ यार नीचे रेड बटन लगा हुआ है उसे सब्सक्राइब कर दो अच्छे तरीके से, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, अरे कहना क्या चाहते हो मेरा मतलब लाइक भी हो सकता है तो वो भी कर देना, अभी ना करना एंड पे कर देना, मैं इतना नहीं कहता ये झटके मारती है यार, ये क्या इशू है, ये भी दिखाऊंगा जाके। तो हाँ बात कर रहा था, लाइक भी कर देना यार, क्या जाता, खैर मर्जी आपकी। सो अब हम चलते हैं वर्कशॉप सीधा अपने जहाँ पर इसका काम शाम हुआ था पहले भी, वहाँ भी जाते हैं और उनको ये मसले जो फेस कर रहे हैं हम वो दिखाते हैं जाके। ओके है ना, अगर तो आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं और जिम भी नहीं जाना चाहते तो आप कल्टस ले लें, काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। मैं पहले सोच रहा था कि गाड़ी के अंदर हॉर्न जो है बड़े लगाना नहीं चाहिए क्योंकि आपको पता शोर होता है, हॉर्न दे जाओ कोई हटता ही नहीं है आगे से। खैर छोड़ो ये तो साथ साथ चलता रहेगा। इसके अंदर मैंने वूफर वगैरह भी लगाया हुआ था पहले, अगर आपने देखा हो तो जब वो गाड़ी की वो डेंटिंग वगैरह करवाई थी ना तो वो सब कुछ उतार के रख दिया था, तब फिर लगवाना है वो भी। अब तब से मैं बगैर म्यूजिक के बैठा हुआ तो काफ़ी बोरिंग है। क्या आप कर सकते हैं कल्टस का एक हाथ स्टीयरिंग मूव? नहीं अगर कर सकते हैं तो कमेंट्स में बताएं। वर्कशॉप आ गई अपनी, मैं यूनिवर्सिटी से आया हूँ ना वापस, मेरी यूनिवर्सिटी थी आज। एक तो वो उस दिन करवाई थी ना वो सस्पेंशन, वो थोड़ी सी ना आवाज़ करती है हल्की, थोड़ी बहुत ही करती है हल्की, हाँ हल्की, कोई मसला नहीं उसके ना, वरना में प्ले क्रास में प्ले होती है उसका कोई मसला नहीं।
ठीक है। दूसरा इसका जो था ना, ये करती है जंप मारती है, जंप से मरा दिए दूसरे गियर में ना, झटके मारती है गाड़ी, वो देख लें। और अंकल आपको तो पता ही है आपका काम। ये तार है किस चीज की वाली? अच्छा, वो तार खराब, तार देसी है। हाँ, अपने देश पंजाब की। अच्छा, जापान की चाहिए थी। स्लो स्पीड में भी करके देखे तब भी झटके मार दी थी दूसरे के गियर में ना। मार दिए झटके ना, आप चले मार्केट में। अच्छा, सब तो पहले ऐसे नहीं होता, तो पैर तार ला दिया। हां, ऐसे ही कर दिया। तो ये जो तार है ये खराब है, इसकी वजह से गाड़ी झटके मार रही थी, तो अब ये नई लेके लगा के चेक करेंगे। हां, ये नई तार है जो अब लगा के चेक करेंगे। अगर तो ये सही चल गई तो ठीक है, नहीं तो ना फ्यूल पंप जो होता है गाड़ी का, कहते हैं कि वो भी दे चेक करना पड़ेगा कि वो इशू ना हो, तो कोशिश है कि यही होगी। तो तार शार जो थी अंकल घुमाते जा रहे हैं, ले ली है हमने, जो उम्मीद है कि इसी का इशू लग रहा है हमें। तो अब जाके देखते हैं आगे क्या क्या और तो ना इशू हो। अब जाके हम वायरिंग करेंगे जिसके लिए आए थे हम। मैंने गाड़ी चला के देखी थी तो मुझे जो है इसके अंदर पहले से तो काफ़ी स्मूथ हुई है गाड़ी, लेकिन जब स्लो होती है ना तो तब जो है ना गाड़ी के अंदर थोड़े से जर्क्स आते हैं झटके, तो वो मैंने अब चेक करवाई है। तो अब अंकल उसे चेक करने लगे हैं, तो आइए देखते हैं क्या करते हैं वो, लेट्स सी। फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद झटके इज नो मोर, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसका रेडिएटर का पाइप भी खराब, पानी नहीं ले रही थी बोतल से। सामने एक और फिल्टर लगी हुई है, उसका भी काम शाम हो रहा है, और इधर हमारी फिल्टर लगी हुई है। अभी हम सामान लेने जा रहे हैं शहर, ताले वगैरह जो लेने थे, शोर काफ़ी है, वहाँ जाके मिलता हूँ। देखना ज़रा, कल्टस, कल्टस कंसर्वेटरी है ना, चेक की थी कितने के? ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੰਮ? ਬਹੁਤ ਤਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਐਨ ਨਗਾਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿ ਉਧਰ ਜੋ ਉਧਰ ਆਇਆ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਤ ਕੀ ਗੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡਿੰਗ ਪੇ ਹੈ, ਤੋ ਅਭੀ ਇਸਕਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮੀਟਰ ਕਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗੇ। ਮੀਟਰ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਕਾਫੀ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੂਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸਕੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। मुझे लगता है जब से के लिए मीटर खोला ही कभी नहीं। सेंट्रल लॉकिंग हो गई अपनी, मीटर हो रहा है अपना।
सब्सक्राइब कर दिया आपने अभी तक? सब्सक्राइब नहीं किया यार, देख लो मर्जी आप, नाश्ता नहीं किया अभी तक मैंने और आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे लिए। मैं अपना अच्छे तरीके से पुरानी गड़ियाँ ये कुछ ना कुछ काफ़ी नाजुक सूरत हाल है मीटर की भी और मेरी भी क्योंकि मैं थक चुका यार। इसको भी ना अच्छे से तरीके से साफ वगैरह कर दो। ये अपना मीटर शीटर खुल गया साफ हो रहा है। एलईडी लगवाएंगे इसके अंदर ना और यहाँ पे इसका रेडिएटर साफ होने लगा फिर से, रेडिएटर और कूलेंट वगैरह डलना है इसके अंदर फिर। शीशा बर्फ हो रहा है ये मैं देखते हैं करवाने के लिए। 2 hours late ये शीशा आ गया संगल जी, शीशा 100 रुपये लिया उसने। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है कि आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। और इसके साथ साथ तो बेसिकली मेरे फ़ोन की बैटरी इस वक्त डाउन हो चुकी थी तो इस वक्त मैं वीडियो एडिट करने लगा था, बल्कि हो चुकी है तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। तो अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो अब इसमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें ऐड हैं लेकिन अराउंड अबाउट मेरा 12 से 13 हज़ार रुपया लग चुका था। तो ठीक है, अगर कोई चीज़ आपने पूछनी हो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरे ख्याल अल्फी लगी हुई है, ये वो लगाते हैं ना यहाँ पे क्या कहते हैं एयर प्रेस, उसकी टेप है या फिर अल्फी है। मेरे को सालों सालों से लगी हुई है, जब से गाड़ी ली है कभी तार ही नहीं।